गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर न्यू पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम दिखाती है दो पोएम्स हैं तो दोनों पढ़ेंगे हम। निगेटिवनेस ऑफ द लाइफ एंड इन द ऑल निगेटिवनेस ऑफ द लाइफ इन बिटवीन द रे ऑफ होपनेस। तो शुरुआत करते हैं हमारी यहाँ से। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूट। द वे अ क्रो जिस तरीके से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी अपने वो मतलब थोड़ा सा झड़कता है जो पक्षी होते हैं अपने चोंच से पंख वगैरह साफ करते हैं। ये एक्चुअली इस समय जो ये कौआ है ये बैठा हुआ है एक पेड़ पे जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक्चुअली एक अपशगुन पेड़ माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पीपल के पेड़ पे कहा जाता है कि रात में पीपल का पेड़ बहुत शुद्ध होता है, माना जाता है कि रात में उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत देवदानव उसमें रहते हैं। तो उस पर बैठा हुआ उसने अपना सर झड़का जिससे जो डस्ट थी स्नो की वो मेरे ऊपर गिरी एक हेमलॉक ट्री से। हैज़ गिवन माई हर्ट और जब वो गिरी मेरे ऊपर तो उसने मेरे दिल में एक चेंज लेके आया, चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। और जितनी भी निगेटिवनेस थी मेरे पूरे दिन की उस निगेटिवनेस को उस डे ने लगभग लगभग ख़त्म कर दिया, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए ज़रा, मीनिंग इसका देख लेते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल, एक बहुत सिंपल सा है कि एक पोएट रास्ते से जा रहा है, बट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसका महत्व क्या है कि देखिए, हेमलॉक मैंने बताया पॉइजनस प्लांट ट्री विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो एक पॉइजनस ट्री से एक डस्ट गिरी, एक कौवे ने उसके ऊपर बैठ के डस्ट गिराई स्नो की, जिससे कि मेरा पूरा दिन जो मैं सोच रहा था कि बेकार है, मैंने उसको पॉजिटिवली होप में लिया और मेरा दिन का एक हिस्सा अच्छा चला गया। अब आते हैं दूसरी पोएम पे। ये पोएम का नाम है, क्या नाम है देखिए, फायर एंड आइस। फायर रिप्रेजेंट करती है अच्छाई को, आइस रिप्रेजेंट करती है बुराई को। सम से फायर रिप्रेजेंट करती है हेटर्ड को और आइस रिप्रेजेंट, देखिए आगे क्या करते हैं। पहला आपका दिया गया है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ बताते हैं कि वर्ड का अंत होगा नफरत से, कुछ कहते हैं कि आपस में जो लालच है उससे अंत होगा। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मेरा अपना अनुभव जो कहता है वो कहता है कि वर्ड का अंत जो होगा वो किससे होगा, वो होगा डिज़ायर से, यानी कि इच्छाओं से, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आई होल्ड विद दोज फेवर फायर बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर मुझे दो बार मरना होता आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। मैं आपसे कहता कि इस दुनिया में जीवन ना तो हेट करने के लिए पर्याप्त है ना ही डिस्ट्रक्शन यानी कि अलगाव करने के लिए पर्याप्त है। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, केवल जोड़ के एक दूसरे से प्यार करके ही इस जीवन को जिया जा सकता है। और आपके ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।